हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग एटम वर्क के बीएलडीसी सीलिंग फैन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये सुपर इफिशियंट होता है, इसमें बीएलडीसी मोटर यूज की जाती है, साथ ही ये रिमोट युक्त है। यहाँ पे बूस्ट स्लीप और टाइमर मॉड दिए गए हैं। फैन दिखने में कुछ इस तरह का है। ये फैन जो है ये एटम वर्क का रेंसा मॉडल है, जो कि 1200 mm है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये मेड इन इंडिया ब्रांड है। इसकी जो MRP है वो 5190 रुपीज़ है, और यहाँ पे ये हमें काफ़ी सस्ता मिलता है। यहाँ पे BLDC फैन आपको किस लिए लेना चाहिए, ये कितने इफिशियंट होते हैं और इनसे हम कितनी अपनी बचत कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, साथ ही अगर आप इन्वर्टर से इसे ऑपरेट करते हैं तो आपको कैसा बैकअप मिलेगा, आगे मैं सारी जानकारी दूंगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारे सीलिंग फैन के साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है, जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन जो हैं वो दिए गए हैं। हालांकि इनको आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को, अगर आप पूरा वॉच करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें वारंटी कार्ड हमें साथ में मिला है। इस फैन की 3 ईयर की वारंटी है। यहाँ पे एक QR दिया गया है, जिससे कि आपको स्कैन करना होगा, जिसके बाद आप अपना फैन जो है उसकी वारंटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। यहाँ पे हमें एक अलग से गिफ्ट कार्ड मिला है, जिसमें कि हमें एटम वर्क के और भी जो प्रोडक्ट हैं उनमें डिस्काउंट के रूप में कूपन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे इस कूपन में हमें क्या डिस्काउंट मिला है, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इस सीलिंग फैन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक IR रिमोट दिया गया है, जिसके द्वारा आप अपने एटम वर्क के BLDC सीलिंग फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही इसमें टाइमर मोड और स्लीप मोड जो हैं ये भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे रिमोट जो है दिखने में कुछ इस तरह का है। आगे हमें और क्या क्या एसेसरीज मिली है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस फैन को माउंट करने के लिए हमें कुछ नट और बोल्ट जो हैं इस पैक में मिले हैं। आगे हम देखेंगे क्या क्या मिला है। यहाँ पे आप देख पाएंगे दो हमें सेल मिले हैं, जो कि पैनासोनिक के हैं, जिनका मॉडल नंबर जो है AAA है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमें सीलिंग फैन के साथ में ये डाउन रॉड जो है ये भी मिलती है। तो यहाँ पे ये हमारी सीलिंग फैन की डाउन रॉड है, और साथ ही हम अब सीलिंग फैन की और भी एसेसरीज जो हमें साथ में मिली है उसे देखते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारे सीलिंग फैन की BLDC मोटर जो है यहाँ पे आप देख पाएंगे, साथ ही यहाँ पे कैनोपी जो है ये हमें दो मिली हैं। इस तरह से हमें दो अप और डाउन कैनोपी जो है ये भी मिलती हैं। तो चलिए अब हम अपने फैन की BLDC मोटर जो है उसे देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारी मोटर है, और ये मोटर जो है कितने वोल्ट पे ऑपरेटेड होती है ये सारा कुछ आगे मैं वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे आप कनेक्टर देख पाएंगे, इस कनेक्टर को हमें अपने घरों में AC मेंस की जो सप्लाई है उसके साथ जोड़ना होता है। यहाँ पे ये एटम वर्क का BLDC फैन जो है ये 28 वॉट मैक्सिमम स्पीड में कंज्यूम करता है, और इसकी जो स्टार रेटिंग है आप देख पाएंगे 5 स्टार रेटिंग है। तो यहाँ पे जो हमारे इंडियन मार्केट में टॉप मॉडल्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे क्रॉम्पटन का एनर्जियन HS मॉडल आता है, इसके बाद ही एटम वर्क रेंसा मॉडल है। तो यहाँ पे इंडियन मार्केट में जो टॉप मॉडल हैं उनमें ये दूसरे नंबर पे आता है। यहाँ पे इस वीडियो में आगे मैं आपको इस सीलिंग फैन को खोल के भी इसके अंदर के सर्किट और सारे पार्ट्स जो हैं उन्हें दिखाऊंगा, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस सीलिंग फैन के ये ब्लेड्स हैं, जो कि हमें इस सीलिंग फैन की मोटर के ऊपर ही माउंट करने होते हैं। तो यहाँ पे सीलिंग फैन जो है आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का है, और यहाँ पे हमारे जो ब्लेड्स हैं वो हमें यहाँ पे माउंट करने होते हैं। तो इन ब्लेड्स को हम माउंट कर सकते हैं, और इसके बाद आसानी से ये फैन जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें डाउन रॉड और कैनोपी जो है ये सारा कुछ हमें इंस्टॉल करना होता है। यहाँ पे अभी मैं इस रिमोट में ये सेल इंस्टॉल करके और आपको टेस्टिंग वगैरह करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें जो AC सीरीज में हमें नट बोल्ट मिलते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह की ये नट बोल्ट्स जो हैं इस सीलिंग फैन के साथ में हमको मिलते हैं। चलिए हम रिमोट में सेल जो है उन्हें इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने सेल जो है रिमोट में इंस्टॉल कर लिए हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जब हम कोई की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक LED इंडिकेटर जो है ये ग्लो होता हुआ दिखता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि रिमोट जो है वो हमारा वर्किंग कंडीशन में है। तो अब हम अपने BLDC फैन जो है इसको खोलने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ऊपर साइड 3 स्क्रू दिए गए हैं, और यहाँ पे ऊपर जहाँ पे कनेक्टर है, जहाँ पे हमारी AC इनपुट सप्लाई होगी, वो कनेक्टर पे भी एक स्क्रू जो है वो लगा है। मैं इन सारे स्क्रूज को निकाल के और आपको इसके अंदर का जो सर्किट है उसे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये पूरा पार्ट जो है अलग कर लिया है हमने। इसके अंदर हमें एक SMPS पावर सप्लाई मिलती है, जो कि आउटपुट जो है 24 वोल्ट करती है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें भी 3 स्क्रू लगे थे, जिन्हें मैंने निकाल दिया है, और यहाँ पे हमारा सर्किट बोर्ड जो है कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पे ये एक SMPS सर्किट है, जो कि हमें 24 वोल्ट 2 एम्पियर आउटपुट देता है। तो यहाँ पे
आप देख पाएंगे एक फ्यूज लगा है और ये फ्यूज जो है 2 एम्पियर और 300 वोल्ट वाला फ्यूज है। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक एमओवी लगा है जो कि 20 डिस्क डायमीटर वाला एमओवी है 561 जिसकी वोल्टेज रेटिंग है। चलिए अब इसके आगे के कंपोनेंट जो है उन्हें भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक ड्रम इंडक्टर दिया है, यहाँ पे इंटरफेरेंस फिल्टर दिया है, साथ ही आप एक ब्रिज रेक्टिफायर देख पाएंगे, एक और यहाँ पे पीएफ कैपेसिटर है और इसके अलावा भी कुछ रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक पावर मॉस्फेट दिया गया है, साथ ही इसमें कुछ और भी कंपोनेंट जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पे आप इंडक्टर ट्रांसफार्मर देख पाएंगे, साथ ही आप यहाँ पे एक शॉर्ट की डायोड जो है डुअल डायोड आप यहाँ पे देख पाएंगे जो कि हीट सिंक पे माउंट है। यहाँ पे आप दो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है आउटपुट में देख पाएंगे जो कि 35 वोल्ट और 1500 माइक्रोफैराड के हैं। साथ ही अपोजिट साइड में पीसीबी के कुछ एसएमडी कंपोनेंट लगे हैं और इस साइड भी एसएमडी कंपोनेंट्स जो हैं वो हमें लगे हुए दिखते हैं। तो इस तरीके से ये पीसीबी जो है इसे हमने देख लिया है। अब हम इस सीलिंग फैन की बीएलडीसी मोटर जो है उसे ओपन करके उसके अंदर के सर्किट और मोटर की बाइंडिंग जो है उसे भी देखेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसे बड़ी आसानी से मैंने खोल दिया है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर एक सर्किट बोर्ड लगा है जो कि इसका ESC है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोल यूनिट, जिसमें कि एक IR सेंसर जो है यहाँ पे लगा हुआ है जो कि हमारे रिमोट द्वारा जो भी हम कमांड देते हैं वैसे ही हमारा सीलिंग फैन जो है रिस्पॉन्स देता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक सर्किट बोर्ड है जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोल है। यहाँ पे BLDC फैन की मोटर जो है इसको रोटेट कराने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोल जो है ESC की जरूरत पड़ती है। ESC जो है काफी जटिल सर्किट है और यहाँ पे आउटर साइड में आप परमानेंट मैग्नेट जो है वो देख पाएंगे। तो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट जो है ये BLDC मोटर में यूज किए जाते हैं और साथ ही इसकी अंदर की बाइंडिंग जो है वो आप देख पा रहे हैं। इसके स्क्रू जो है उन्हें हम अनस्क्रू करते हैं जिसके बाद हम इसका सर्किट जो है उसको हटा के और इसकी वायरिंग के कनेक्शन जो है वो देख पाएंगे। ये हमें पता चलेगा कि ये कितने फेज की मोटर है। तो यहाँ पे मैं इसका सर्किट जो है इसे अलग कर देता हूँ जिसके बाद आप इसके अंदर जो है देख पाएंगे कि केवल 3 वायर जो है वो हमारे सर्किट बोर्ड में जाते हैं। तो इस तरीके से ये BLDC मोटर जो है 3 फेज BLDC मोटर है। तो यहाँ पे आप PCB में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 24 वोल्ट लिखा हुआ है। तो जो मैंने सर्किट जो है इसका पहले दिखाया था ऊपर साइड जो PCB लगी थी वो एक SMPS सर्किट था जो कि 24 वोल्ट आउटपुट करता है जो कि हमारी इस मोटर की मेन PCB जो है उस पर पहुंचता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें IR रिमोट सेंसर दिया गया है। यहाँ पे PCB में SMD कंपोनेंट्स और कुछ SMD ICs जो हैं ये इनबिल्ट हैं। तो यहाँ पे ये सर्किट जो है काफी जटिल है जिसमें कि हमारे फैन के रिमोट कंट्रोल से आने वाले सिग्नल को रिसीव करना और उसके अकॉर्डिंग हमारी मोटर के रोटेशन और सारे फंक्शन जो है उन्हें एक्टिव करना होता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं इस मोटर पे 24 वोल्ट 2 एम्पियर की पावर सप्लाई के साथ इसे कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप मोटर जो है उसको धीरे धीरे रोटेट करता हुआ देख पाएंगे। कुछ देर बाद ये अपनी मैक्सिमम स्पीड जो है उसे प्राप्त कर लेगी। ये स्पीड जो है इसकी डिफॉल्ट स्पीड है। अब हम यहाँ पे अपने रिमोट कंट्रोल से इस फैन की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे मैं नंबर 3 पे रखता हूँ तो 3 LEDs जो है वो ग्लो करती है एक बार और हमें 3 नंबर की स्पीड दिखाई देती है। यहाँ पे 4 नंबर स्पीड हम प्रेस करते हैं तो 4 LEDs ग्लो होती हुई दिखती हैं। इसी तरीके से जो भी फंक्शन हम रिमोट से एक्टिव करते हैं वो हमें LEDs के थ्रू भी दिखाई देता है। तो यहाँ पे इस रिमोट द्वारा हम अपने फैन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए मैं रिमोट के कुछ और फंक्शन भी आपको दिखाता हूँ। मैंने रिमोट द्वारा इस फैन को टर्न ऑफ कर दिया है। इस तरीके से आप इस फैन को बंद भी कर सकते हैं। मैं फैन को दोबारा चालू करता हूँ और यहाँ पे इसमें लगी हुई LEDs को अगर हमें लगातार ग्लो करना है तो यहाँ पे रिमोट में LED वाली की को अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारी LEDs जो है वो लगातार ग्लो होती रहेंगी। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं LED वाली की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे LEDs जो है वो हमारी लगातार ग्लो होती रहेंगी। इसी तरीके से स्लीप मोड और टाइमर जो है वो भी हम इस फैन में सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फैन जो है इस फैन को आप रिमोट द्वारा आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे घरों में जो पहले से इंडक्शन सीलिंग फैन लगे होते हैं उनकी तुलना में ये सालाना हमें लगभग 1000 से 1500 रुपए की बचत करते हैं। यहाँ पे जो इंडक्शन सीलिंग फैन होते हैं जो कि पुराने पंखे जो हमारे घरों में लगे होते हैं उनकी तुलना में ये हमारा सालाना लगभग 1500 रुपए की बचत करता है। यहाँ पे जब हम इंडक्शन सीलिंग फैन से इसकी तुलना करते हैं तो जैसे पावर कट में अगर हमारा इन्वर्टर चल रहा है तो जो इंडक्शन सीलिंग फैन है वो अगर 4 घंटे चलेगा तो ये हमें 8 घंटे का बैकअप देगा। तो इस तरीके से बैकअप भी काफी अच्छा मिलता है। यहाँ पर इंडक्शन सीलिंग फैन की मोटर में आप 2 बाइंडिंग देखेंगे, एक अंदर साइड बाइंडिंग होती है, एक बाहर साइड बाइंडिंग होती है।
तो यहाँ पे बाइंडिंग के द्वारा ही बाहर की रिंग को मैग्नेट बनाया जाता है, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेट बनाने में भी खर्च होती है, जबकि इसके विपरीत हमारे BLDC सीलिंग फैन में मैग्नेट जो है वो परमानेंट यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे BLDC फैन में मोटर में मैग्नेट यूज करने के कारण ही इफिशेंसी जो है वो ज्यादा हमें मिलती है, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज्यादा नहीं खर्च होती है। हालांकि BLDC सीलिंग फैन काफी महंगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसे लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की ये काफी हद तक बचत करता है, जिससे कि ये सीलिंग फैन हमारे लिए ज्यादा बचत देने वाले होते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपने काफी कुछ BLDC सीलिंग फैन के बारे में जाना है। यहाँ पे जो एटम वर्क का सीलिंग फैन हमने परचेस किया था, इसके साथ में डिस्काउंट कूपन मिला है, उसमें 3200 का डिस्काउंट है एटम वर्क के ही एक और प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे इस तरीके से डिस्काउंट भी एटम वर्क द्वारा दिया जाता है दूसरे प्रोडक्ट के परचेस करने पे। अगर आपको BLDC सीलिंग फैन से संबंधित कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या आपका कोई सुझाव है तो मुझसे आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Have a nice day.